तो आज हिंदी में राजू नामदेव राव पंचल भैया की शेयरिंग है। भैया असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में JSPM राजऋषि शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में। भैया ने फर्स्ट वर्कशॉप जुलाई 2023 में किया और भैया ने कई जगह इंट्रोडक्शन टू UHV पे प्रेजेंटेशन दिया है और कई सारे कॉलेजेस और स्कूल्स को भैया ने विजिट किया है महाराष्ट्र में। तो और भैया इंस्पिरेशनल टीचर भी हैं, तो अभी मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगी, राजू भैया को माइक दे रही हूँ। जी राजू भैया, आपके पास माइक है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते सभी को। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी भैया, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर अच्छा, सकते हैं अपनी शेयरिंग। हाँ ठीक है। दीदी, मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम राजू पांचाल है। मैं जैसा आपने कहा, मैंने जो इंफॉर्मेशन भेजी थी उसके अकॉर्डिंग मैं एसोसिएट प्रोफेसर बोल के JSPM कॉलेज में काम करता हूँ। और मेरा शुरू से ही ये लगाव रहा है और मैं 6 जुलाई से UHV में जुड़ा हूँ। हमारे कॉलेज में JSPM राजेश्वरी शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग काथरडे में पहला फेस टू फेस UHV वर्कशॉप हुआ और वहाँ पे मैंने विनय भैया हमारे टीचर है उनको मैंने जब 3 दिन जब वर्कशॉप देखा और वहाँ पे जो सीखा वो मुझे मेरे जीवन में एक अलग सा परिवर्तन वहाँ से शुरू हो गया। मेरा जो जन्म है, मैं नांदेड़ जिले में लिमगांव बोल के गांव है वहां पे हुआ है। मैं शुरू से ही भगवत गीता हमारे घर में चलती थी तो भगवत गीता के आधार पे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से काम सोचता था। मुझे इतना पता था कि अगर इंसान को बड़ा बनना है तो पैसा कमाई करके नहीं तो वो विचारों से बड़ा हो सकता है, ये मेरे मन में कहीं तो भी छिपा हुआ था। और धीरे धीरे उसी ने मेरे को एक अलग दिशा में खींचना चालू किया। और मैं हमारे गांव में एक बहुत बड़े इंसान है जो MGM ट्रस्ट महात्मा गांधी मिशन वहाँ के ही सब लोग चलाते हैं, आदरणीय कमल किशोर जी कदम साहब, आदरणीय नाना अंकुश राव जी कदम साहब, ये 5 भाई है। तो ये सब उनके पिताजी एक क्लार्क थे और उन्होंने उन सबको 5 भाइयों को पढ़ाई के द्वारा बड़ा बनाया। और उनके उनका जो मैंने जीवन चरित्र देखा तो मैंने ये दिल में ठान लिया कि मुझे पढ़ना है। हालांकि मैं वो पढ़ाई में उतना ज्यादा तेज नहीं था लेकिन धीरे 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 मैंने मेरे टीचर से बहुत सारा ऐसा ही ये रखते हुए उनको फॉलो करते हुए उनका भी टीचर्स का भी प्यारा बना और उन्होंने मुझे एक अलग तरीके की सोच को मजबूर किया और वो सोच ही मुझे आगे लेके चली गई। मैं 10वीं पास हो गया तो 10वीं पास के बाद मुझे आगे जाना है तो मेरे टीचर्स ने बताया कि तुम इंजीनियर, मैं कारपेंटर कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इंजीनियर बनने के लायक हो। और हालांकि मैं डेड बॉडी नहीं देखता तो मैं मेडिकल के लिए अच्छा नहीं हूँ ऐसा मैंने उनको कहा तो उन्होंने बोला कि बराबर है। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने डिप्लोमा में नांदेड़ में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मेरे मेरा मैट्रिकुलेशन 10वीं पास 1990 में हुआ और मैं 10वीं से लेके वहाँ पे मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, मैं गांव से आना जाना करता था, वहाँ पे नांदेड़ लिमगांव गांव 12 किलोमीटर है,
तो सुबह 5 बजे उठना, मेरी माताजी मुझे खाना बना के देती थी, फिर पैदल 1-6 किलोमीटर रेलवे स्टेशन जाना, वहां से फिर ट्रेन से जाना, और फिर वहां से 6 किलोमीटर कॉलेज था। तो ऐसा 24 किलोमीटर वन साइड था, तो डेली अप एंड डाउन करता था। और कभी कभी ट्रेन छूटती थी तो वो ट्रेन के पीछे पीछे भागते हुए घर पे आता था। लेकिन पढ़ाई, उसका रिजल्ट ऐसा रहा, मेरा फर्स्ट ईयर में मेरा पूरा ड्रॉप डाउन रहा, और मुझे एक ही सब्जेक्ट निकला, उसका नाम था अप्लाइड फिजिक्स। तो मैंने वो देखने के बाद मुझे समझ में आया कि अरे, ये तो आने जाने में ही ज्यादा वक्त गया, लेकिन दिल में था कि मैं एक इंजीनियर बनूं। और बाद में धीरे धीरे मैंने घर पे रहने के बाद घर के काम काज करना, घर में एक सॉमिल था छोटा सा, उस पे दिन भर काम करना, रात में पढ़ाई करना, और फिर बाद में इसी तरीके से मैंने 2 डिप्लोमा किए, सिविल इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। लेकिन ये सब जब भी फेल होता था तो मेरे टीचर्स के सामने जाके बैठता था, और टीचर्स मुझे बताते थे। मेरे एक टीचर, मैं जो बचपन के टीचर थे, झंवर सर बोल के ड्राइंग के टीचर थे, और एक फिजिकल टीचर थे माली सर बोल के, जो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे एक अच्छी तरह से, अभी भी वो दोनों भी मेरे टच में हैं, और सब लोगों ने मुझे इतना अच्छा हेल्प किया कि मेरा लाइफ ऐसा ही ग्रो होते चला गया। धीरे धीरे हमारे समाज से ही मेरी वाइफ जो है डॉक्टर जागृति पांचाल, वो उसकी शादी का मेरे सामने प्रस्ताव आया। तो वो थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में थे और मैं डिप्लोमा में कर चुका था। तो उन्होंने मुझे, मेरे ससुर जी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि आप इनसे शादी कर लीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं तो डिप्लोमा होल्डर हूँ, आपकी बेटी तो थर्ड ईयर में है, और ये शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना पक्का कि मैं आगे पढ़ना चाहूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हमारी शादी हो गई। उसके बाद हम दोनों ने इंजीनियरिंग किया। मेरा एडमिशन आदरणीय अंकुश राव जी कदम साहब ने के उनको जाके मैंने जब बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तू मेरा नंबर साथ में रख, और जहाँ पे भी मैनेजमेंट का सीट मिलेगा वहां पे तू चला जा। तो मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में चिकली में हुआ, और वहां के मैनेजमेंट को मैंने बताया कि ये साहब का नंबर है, और मुझे उन्होंने मैनेजमेंट कोटा से डायरेक्ट सेकेंड ईयर की सीट 1998 में दे दी। ये होने के बाद मेरा जीवन कुछ एक अलग, मीन्स बहुत ही खड़तड़ प्रवास रहा। मेरी बीवी थर्ड ईयर में इंजीनियरिंग में पढ़ती थी, मैं सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, सेकंड ईयर में चिकली में पढ़ता था, वो लातूर में थी, और गांव मेरा नांदेड़ था। एक्चुअली मेरा ट्रायंगल बनता था, तो और जेब में पैसे भी नहीं थे। उस वक्त मैंने बहुत सारा कठिनाई झेली, पॉकेट में पैसे नहीं थे, तो मैं जाके मेस से कुछ 100 रुपए महीने से 2-3 रोटी लाता था। घर में सब्जी नहीं थी तो सब्जी मैं खुद पका के खाता था। तो ऐसा ही चलता था। कुछ जो ऐसे कुछ फल वगैरह मिलते थे तो लाके अपने बाजार से खरीदने का टोकरी से, और वो लेके अमरूद वगैरह, तो वो लेके स्कूल के सामने बेचना, और फिर बाद में उसी से गुजारा चलाना। जूस सेंटर पे भी काम कर चुका हूँ। तो ये जीवन ने मुझे एक अलग दिशा में लेके लिया, लेकिन पढ़ाई के प्रति मेरी एक अच्छी भावना थी, तो मैंने बोला कि ये पढ़ाई करना जरूरी है। और ऐसे करते करते मेरा इंजीनियरिंग हो गया। इंजीनियरिंग होने के बाद घर में हम दोनों मियाँ बीवी भैया दोनों थोड़ा ही, ये हाँ सा मैं इंटरवीन करूंगा कि हाँ ये तो आप जो शेयरिंग कर रहे हैं उपयोगी है और हाँ आपके अंदर इच्छा भी होगी कि इन सारी बातों को शेयर किया जाए, परंतु हाँ थोड़ा सा अपना ध्यान अगर ये जो मूल्यांकन के नहीं, अब भीतर मैं उसी की है तरफ इसके भीतर जाना चाहूंगा थोड़ा सा। मेरा एक अपना ये, क्योंकि मेरा ये UHV ने एक मुझे एक अलग दिशा में उड़ा, क्योंकि मैं, जो मैंने मेरे परिचय में बताया कि मैं एक इंस्पिरेशनल प्रोफेसर हूँ, तो मैंने अभी तक जो किया, तो अभी तक 10-15 हजार बच्चों के सामने जाके ये बात रख चुका हूँ। मैंने एक अभ्यास कैसा करना है, इसका साइंटिफिक मेथड बनाया,
और अभी मैं यूएचवी को साथ को लेके चल रहा हूँ। तो यूएचवी में जो मैंने UHV 1 में स्वयं जो स्टेप्स है वो स्टेप्स मैंने एक अच्छी तरह से देखे हैं। पहला स्टेप्स जो है स्वयं को स्वयं के द्वारा देखना, तो ये मैं सुबह सुबह रोज प्रैक्टिस भी करता हूँ और खुद को जानने परखने की कोशिश करता हूँ। मेरा यूएचवी में का प्रवास जो है वो जुलाई से चालू है। मैं वीकली मीटिंग सैटरडे की करता हूँ और उसमें कुछ कुछ अच्छी तरह से देख पाता हूँ। जैसे कि अभ्यास एक में जैसे कहा गया है कि स्वयं में चल रहे कल्पनाशीलता के भाव विचार को मैं अच्छी तरह से देख भी पाता हूँ। उसी की वजह से मैं मेरा एक अच्छा एक प्रयास रहता है कि मैं खुद के जो एंगरनेस है तो उसको मैं अच्छी तरह से काबू पा चुका हूँ। मेरा फीडबैक भी ऐसा है कि मैं कॉलेज में थोड़ा एंगर करता था तो वो मुझे अच्छे तरह से कंट्रोल हो गया है। मैं सहज दूसरे स्टेप नंबर दो पहले की अभ्यास एक की दूसरी स्टेप जो है मेरा सहज जो भाव है, मैंने अभी तक UHV को अराउंड 1000 बच्चों के सामने रख चुका हूँ कि जिसका मैंने एक ये कहा है कि मानव की मूलभूत चाहना क्या है। जैसे कि हमने जो स्वयं की जो इनेट नेचर है आनंदी रहना, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस रहना या कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में रहना, ये मैं खुद को देख पाता हूँ और ये खुद को समझ भी पाता हूँ। तो अभी इसी की वजह से मैं एक खुद में आराम भी महसूस करता हूँ। जैसे जो एंगरनेस है या जो कुछ काम करता हूँ तो जो उसके लिए मैं खुद का जिम्मेदार हूँ। तो और इसके आधार पे मैं निर्णय भी ले पाता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये मेरा अभी तक का और मैं अभी स्टेप 1 का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ। स्टेप 2 में जो स्वयं के द्वारा शरीर को देखना, ये भी मैं थोड़ा इंटरमिटेंटली करता हूँ। जैसे कि 10 मिनट का जो हमारा प्रैक्टिस रहता है तो वो भी मैं सुबह उठ के थोड़ा 10-15 मिनट वो करता हूँ। तो मेरे चेहरे में एक आनंद सा मैं या खुद में एक आनंद महसूस कर पाता हूँ। तीसरी बात जो है कि हमारी भागीदारी, तो मैं वीकली मीटिंग जो है वो का वीकली मीटिंग में अटेंड करता हूँ। कभी एक ऐसे बार कुछ बार हो भी जाता है कि मैं वो अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन जो भी कुछ रहता है वो विनय भैया से पर्सनली फोन पे उनके से मैं शेयरिंग भी करता रहता हूँ। तो ये सारे ये बहुत अच्छे चेंजेस मैं महसूस भी कर रहा हूँ। इतना मेरे तरफ से आज का शेयरिंग है भैया। सो थैंक यू वेरी मच। भैया आप नियमित रूप से कर पाए हैं सुबह के सत्र? सुबह का इंग्लिश सत्र तो भैया मैं नहीं कर पाता, लेकिन हिंदी का तो मैं अभी तक एक 90% तक कर चुका हूँ। जी, बहुत बढ़िया भैया। अभ्यास 2 पे आपने कोई बिंदु नहीं रखा और आगे के लिए कमिटमेंट आदि पे भी आपने कोई बात नहीं की। सुख हाँ, स्वभाव जी मैंने भैया एक छोटा सा ऐसा जब मैं शुरू शुरू में जुड़ चुका तो मेरा मेरे मोबाइल में अराउंड 4000+ नंबर्स है। जैसे मैंने महाराष्ट्र में 150 कॉलेज तक गया हूँ, जूनियर कॉलेजेस, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ भी वक्त मिलता है जाता हूँ और बच्चों को पढ़ाई के बारे में रखता हूँ। तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के नंबर्स भी मेरे पास सेव है। तो मैंने सबसे पहला जो हमारा लेसन था सुख स्वभाव भैया
तो मैंने वो क्वेश्चन बना के मैंने विनय भैया से कहा कि भैया क्या मैं ये शेयरिंग करूं क्या। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ठीक है कह के मैंने किया। तो अराउंड 400+ लोगों ने मुझे यूएचवी के बारे में सुख प्रभाव नहीं है स्वभाव है ये मेरे को आंसर दिया। तो ये ऐसा मैं थोड़ी सी मेरे लेवल पे एक अलग तरीके की भागीदारी में करता हूँ और उसको देख पाता हूँ कि लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है कि सुख स्वभाव है। तो ये मेरे से मैं करता जी हूँ जी भैया। मैं कहूंगा जी, बहुत बढ़िया प्रयास आपका भैया, बट मैं कहूंगा कि ये मुझे अपने आप में हर क्षण देखना है कि मेरे लिए कुछ प्रभाव है या प्रभाव, मतलब सर्वे करना तो एक अलग बात होगी, मुझे अपने आप में देखना है और कितना मैं स्वभाव में जी पाता हूँ, कितना मैं प्रभाव में जीता हूँ, ये मुख्य मुद्दा है। भैया तो आप जी मैं इतना बात को पक्का रख पाता हूँ कि मैं स्वभाव के तौर पे ही सुख में जीता हूँ। मेरे पे प्रभाव ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। मेरा रहन सहन भी एकदम साधारण है। मैं मेरे मोटरसाइकिल पे ही घूमता हूँ। अभी फिलहाल में दिवाली के वक्त मैं 2,500 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे जाके लोगों से मिल के आया हूँ। तो मुझे ऐसा आपका प्रभाव का कुछ उतना असर नहीं है भैया। उम्र क्या है भैया? मेरा 49 है भैया। अच्छा, बढ़िया भैया जी, लेकिन तो लोगों आगे से के लिए मिलता कुछ हूँ बताना थोड़े। चाहेंगे, हाँ आगे के लिए क्या भैया, कमिटमेंट है आपका? मैं भैया आप यूएसबी से तो थोड़ा स्लाइड देख लीजिए, आप थोड़ा स्लाइड देख लीजिए, इसमें जो बिंदु है ना हाँ नीचे के हाँ तीन हाँ बिंदु, फिर कॉल कर दीजिए। हाँ 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 जी भैया, जी भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा ठीक है दीदी, आप राजू बताइए। भैया, जो स्लाइड पर बिंदु दिए गए हैं, आपकी कमिटमेंट के बारे में अगर आप कुछ रखना चाहें कि आप अपने लिए कितना समय लगा रहे हैं और लगा सकते हैं, और है ना हाँ अगर दीदी, अभी तो मैंने वो जब ये सब लोगों का शेयरिंग ये सब देखता हूँ तो मैं अभी उतना रेडी नहीं हो चुका हूँ। मुझे विनय भैया ने भी कहा कि आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो। ये मैंने शुरू शुरू में थोड़ा ये किया लेकिन इसका जो डेप्थ है वो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि उसमें जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा उस तरीके का तो वो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि इसका डेप्थ कितना है। तो मैंने वो सबसे ज्यादा ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे लेवल पे थोड़ा थोड़ा मैं रखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे और ये बिंदु से ही अभी 9th बैच में भी मैं जुड़ूंगा तो उसको और अच्छी तरह से, या अभी मैंने जब UHV2 पुणे में PVG कॉलेज में हो रहा है तो जिस दिन लिंक खुला हम सैटरडे के मीटिंग में तो वहां पे अनाउंसमेंट आया तो मैंने वहीं पे उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया क्योंकि अभी ठीक मुझे यूएचवी बहुत सारा समझना है। इतना मुझे तो समझ में आ रहा है यूएचवी का। मेरा इसमें मैं अभी बहुत छोटा बच्चा हूँ क्योंकि इसमें जितने लोगों को मैंने देखा है उनका जो शेयरिंग सुना है तो वो आपका भी जैसा शेयरिंग सुना तो ये इन लोगों ने इसको ग्रास्प करने के लिए इतना प्रयास किया है कि जो मुझे अभी उसमें प्रयास करना जरूरी है। तो उसी की वजह से मैं छोटे छोटे लेवल पे जो भी काम रहेगा मैं करने को तैयार हूँ। और हमारे कॉलेज में मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बोल के काम करता हूँ। मेरे अंडर में 4,500 स्टूडेंट है और 350+ फैकल्टीज है तो सबका मॉनिटरिंग करना ये सब। और मैं डायरेक्टली डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर को रिपोर्टिंग करता हूँ। तो जब भी मुझे कोई क्लास में जाता हूँ तो वहाँ पे मॉनिटरिंग के आधार पे जाता हूँ और वहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन के बारे में रखते हुए मैं उनके सामने ये UHV का थोड़ा सा एक 5 मिनट का सेशन दे के उनको प्रवृत्त करना चाहता हूँ या मैं खुद भी प्रवृत्त होता हूँ कि मैं कर पाऊँ। तो इसी की वजह से जब मैं ज्यादा मॉनिटरिंग का काम करता था तो मैंने बच्चों के सामने अराउंड 1,000+ स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जाके मैंने ये रखा है क्योंकि उसका मुझे बहुत अच्छा प्रभाव दिखा। लोगों ने वो बच्चे अभी हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से बिहेव भी कर रहे हैं
ये भी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, तो उसी की वजह से मैं अभी उसके बहुत सारे डेप्थ में जाना चाहता हूँ। जी जी दीदी, बढ़िया बढ़िया भैया, पर आपने प्रयास किया, अभी आप नए नए जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। और अगर आप वॉलंटियर हिंदी या इंग्लिश वर्कशॉप में करना चाहें तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जितना भी समय निकाल पाएं तो आप उससे शुरू कर जरूर सकते जरूर हैं भागीदारी। जी जरूर 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 भैया, जरूर भैया, जरूर दीदी, धन्यवाद। जरूर। मैं थोड़ी सी बात रख देता हूँ दीदी, जी शेयरिंग को लेकर। तो बढ़िया भैया, आपका उत्साह अच्छा है, ऊर्जा काफी है आप में। 49 साल की उम्र है आपकी और आप बिल्कुल एक यंग व्यक्ति की तरह एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। आपने पहले भी बहुत सारा सोचा है, समाज के लिए बहुत सारा करने का प्रयास किया है। आप एक इंस्पिरेशनल प्रोफेसर के रूप में भी हैं। तो इसमें ना मेरा बस इतना ही कहना है कि थोड़ा सा आप ठहर कर उसको ऑब्जर्व कर लिया जाए। अभी समाज का जी वस्तु ले जाने के पहले हमको स्वयं में वस्तु का स्पष्ट होना जरूरी है। तो भैया, हाँ जी भैया, अभी क्या हुआ, जो समाज के लिए उपकार करने का काम इन जनरल देखा जाता है, वो सुविधाओं को केंद्र में रखकर या शरीर को केंद्र में रखकर ही देखा जाता है। हाँ जबकि अपने को दिख रहा है कि जो समस्याएं हैं परिवार में, सुविधा के अभाव में कम, संबंध के अभाव में ज्यादा है। हाँ और संबंध की समस्याएं हैं, है ना, वो हाँ समझ से ही ठीक होती हैं। एक तो आपके परिवार में अनुकूलता है, तो आप परिवार से बाहर निकलकर समाज के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। परंतु उसमें अब जो मुख्य फसावट हो सकती है वो स्वयं में ही समझ की आवश्यकता को पूरा करने की हो सकती है, तो उसके लिए और हाँ थोड़ा विधिवत समय लगाए। आपने इस वर्ष ही यस वर्कशॉप किया ना पहला? भैया, पहले ही भी मैं 6 जुलाई से ही ज्वाइन हुआ हूँ, अभी जी 6 जुलाई जी से तो यूएचबी में आया हूँ। महाराष्ट्र में अभी फेस टू फेस वर्कशॉप भी होने वाले हैं 5 डेज के, तो अगर बराबर, आप समय निकाल सके तो उसको जाके पूरा अटेंड करें, तो आपका ये उत्साह जो है ना ये आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा, उसको एक हाँ दिशा मिल भैया, जाएगी। जी, हाँ स्वयं भैया, में जो इनफैक्ट अपने को बाहर फैल के काम करने का जिनका अभ्यास है, उनके लिए हाँ आवश्यक है थोड़ा ठहर कर अपने अंदर काम कर लें, है हाँ ना, जी भैया, तो जी वही ऊर्जा भैया, अंदर लग जाए तो अंदर भी गति उसी तेज गति से बनेगी। जी भैया, जी, तो इसको थोड़ा सा आप ठहर के कर ले, ठीक है भैया, अभी दूसरों तक सूचना ले जाने के पहले अपने ऊपर गंभीरता से 6 महीना साल भर काम करें। जी और भैया, जी भी भैया, जहाँ पे काम हो रहे हैं वहाँ अगर आप विजिट करें और वहाँ पे कुछ समय लगाएं तो आपका उत्साह है ना उसके लिए काफी उपयोगी रहेगा, आपकी गति को आगे बढ़ाने में। जी भैया, तो जी स्वयं भैया, काम को आप विधिवत अगर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ जी भैया, जी शब्दों भैया, के भी अर्थ थोड़े और स्पष्ट होने हैं आपको, तो जी अगर आप भैया, फेस टू फेस VHP2 का वर्कशॉप कर लेते हैं जी और आगे भैया, मॉर्निंग सेशन में कनेक्टेड रहते हैं जी भैया, तो इसमें आपकी गति है ना बढ़ती रहेगी। जी भैया, जी भैया, बढ़िया जी भैया, भैया, जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत आभारी हूँ भैया। मैं जरूर ये सब जो मैं अभी जो मेरा साथ जो मेरे को साथ दे रहे हैं वो विनय भैया है, उनको मैं अब पर्सनली फोन करके जो कुछ एक्टिविटी होती है वो उनके बारे में उनके सामने रखता हूँ, तो उनका भी आपके जैसा ही मेरे पीठ पे एक शाबाशी की जो थाप रहती है वो मिलती है, और थोड़ा थोड़ा जो करेक्शंस रहता है वो हमेशा मिलता है, वो जी मैं उसका बहुत आभारी रहूंगा। मैंने जीवन में एक टारगेट किया है भैया, मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, मैं 1 लाख बच्चों के सामने जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं तो उनके सामने जाके मैं बोलना चाहता हूँ, तो अभी तक अच्छा खासा हुआ है, 20-25 हज़ार के ऊपर वो फिगर गया है। तो देखिए, मैं जाके इसमें यही पढ़े, कहूंगा कि ये जो हम नंबर्स बना लेते हैं ना ये बाहर फैलने के लिए, हम 1 लाख व्यक्तियों तक पहुंचे ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जिस अच्छा, एक व्यक्ति तक ही पहुंचे उस तक सही बात पहुंचे ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, फिर हाँ, वही व्यक्ति 1 लाख तक पहुंच सकता है ना अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी भैया, कि जी नहीं? भैया, जी जी, भैया, तो हाँ हमें अगर हाँ ज्ञान समाधान होता है तो हमारा हर शब्द, हमारा हर वाक्य अगले के विकास में सहयोगी होता है। अगर ज्ञान हाँ समाधान नहीं है और हम फैल कर करोड़ों से बात कर लें तो हाँ अल्टीमेटली हम भी नहीं कहीं पहुंचते, अगला व्यक्ति भी नहीं पहुंचता। बराबर बराबर, जी भैया, जी जी भैया, जी भैया, जी भैया, मैं ये इसी की वजह से मैं ज्यादा उसमें अपने यूएचवी में कहीं पे शेयरिंग भी नहीं दी अभी तक, सिर्फ मैं आता हूँ, सुनता हूँ, उसको समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भैया। जी 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 बढ़िया भैया। भैया, जी भैया।